महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। राज्य मागासवर्गीय आयोग ने ओबीसी डेटा एकत्रित करने के लिए 435 करोड़ रुपए और जनशक्ति की मांग की है। आयोग ने इस संबंध में 28 जुलाई को राज्य सरकार को पत्र सौंपा था, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसा वक्तव्य भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुए ने किया। कैबिनेट बैठक में महाविकास अघाड़ी की बैठक में 435 करोड़ रुपए मंजूर होने की उम्मीद थी, हालांकि सरकार ओबीसी डेटा को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप चंद्रशेखर बावनकुए ने लगाया। बावनकुए ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार आयोग की मांग को पूरा नहीं करती है और दिसंबर तक डेटा संकलित नहीं करती है तो वह सरकारी मंत्रियों को वापस नहीं आने देंगी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ओबीसी मुद्दों पर बैठक नहीं करती तो मुख्य सचिव पर कौन दबाव डाल रहा है, ऐसा सवाल भी इस वक्त बावनकुए ने उठाया। एकीकडे केंद्र सरकार मध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी ओबीसीच्या आरक्षणाचे संपूर्ण अधिकार राज्याला बहाल केले। मी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि केंद्र सरकारचं अभिनंदन करतो, पण दुसरीकडे 28 जुलैला ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारकडे 435 कोटी रुपयाची मागणी केली, मनुष्यबळाची मागणी केली। स्वतः वडेट्टीवारजीने असं म्हटलं की चीफ सेक्रेटरीनी तात्काळ कमिटीनी बैठक घ्यावी। 28 जुलैपासून आजच्या डेटपर्यंत चीफ सेक्रेटरी कमिटीला ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधाने बैठक घेण्याकरता वेळ नाही आहे, आणि चीफ सेक्रेटरीला वेळ नसणे म्हणजे इतक्या हॉट प्रश्नावर, ज्या हॉट प्रश्नावर संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे। माननीय वडेट्टीवारजींनीही म्हटलं होतं की या कॅबिनेटमध्ये आम्ही येऊ, कालच्या कॅबिनेटमध्ये विषय आला नाही। डिसेंबरपूर्वी जर ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला तयार करायचा असेल आणि जर अशा कॅबिनेटच्या कॅबिनेट टाळल्या तर कसं काय या ठिकाणी डेटा तयार होईल, कसं आरक्षण मिळेल? आणि मी यापूर्वी सांगितलं आहे की आता चीफ सेक्रेटरीवर दबाव आहे का, तो कोणाचा दबाव आहे? का चीफ सेक्रेटरी बैठक घेत नाही? चीफ सेक्रेटरी समितीची बैठक झाल्याशिवाय 435 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव तयार होणार नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं या सरकारने तातडीनं कॅबिनेटमध्ये यावं आणि तातडीने ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा डिसेंबरपूर्वी तयार करावा, अशी मागणी मी आज पुन्हा करतो आहे। इस वक्त उन्होंने आगे कहा कि लोगों को मराठा आरक्षण मिले यह अशोक चव्हाण की भूमिका ही नहीं है। सांसद में कांग्रेस की ओर से मराठा आरक्षण का विरोध किया जाता है। माननीय अशोक चव्हाण साहब वरिष्ठ नेते आहे, मराठा आरक्षण देण्याकरता त्यांची भूमिकाच नाही आहे। काँग्रेसचे एका खासदारांनी काल मराठा आरक्षणाबद्दल विरुद्ध भूमिका घेतली, मग मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा बॉल हा राज्य सरकारकडे आहे, आता हा केंद्र सरकारकडे नाही आहे। आणि त्यामुळं मराठा समाजाचं आरक्षण राज्यानेच त्या ठिकाणी आपली फॉर्मॅलिटी पूर्ण केली पाहिजे, राज्य सरकारने करावयाची प्रक्रिया हे राज्य सरकार न करता केंद्राकडे बोट दाखवून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाला बगल देत आहे। आणि अशोक चव्हाण साहेब यांनी राजकारणाकरता मराठा समाजाचा वापर करण्याचं काम चालू केलं आहे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ओबीसी डाटा संकलित करना चाहिए। ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, डेटा निर्माण में 3 महीने से अधिक समय नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं रोका, सिर्फ डाटा बनाने का निर्देश दिया। चंद्रशेखर बावनकुए ने यह भी आरोप लगाया कि ओबीसी के लिए फुटबॉल खेला जा रहा है क्योंकि वे ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।